मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मोजम खान ने तेलंगाना असम्बली में बहादुरपुरा फ्लाई ओवर के काम का मामला उठाया और कहा कि हुकूमत को तरक्याती कामों में पुराने शहर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बहादुरपुरा फ्लाई ओवर के काम को फौरी तौर पर मुकम्मल करे क्योंकि लोगों को तकलीफ का सामना है। चुके हैं वो भी आज तक रिलीज अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं सर, तो मैं आपके जरिए वो भी कहूंगा सर। और खास तौर से सर मुझे अफसोस के संगत इस असेंबली में ठहर कर आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है सर, केटी रामाराव साहब की मिनिस्ट्री के अंदर शहर हैदराबाद में एक बेहतरीन तरक्की हो रही है, एक मॉडल शहर बन रहा है, एक एडवांस शहर बन रहा है, मगर मेरी कॉन्सेंसी इसी शहर में आती है बहादुरपुरा कॉन्सेंसी। 2016 के अंदर केटी रामाराव साहब के साथ एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का। आज 2020 आ चुका है सर, उस 2021 आ चुका है, वो फ्लाईओवर आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अफसोस के साथ आपके जरिए इस हुकूमत से कहना पड़ रहा है, जब आप तरक्की हाईटेक सिटी गच्ची बोली माधोपुर इस इलाकों में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं तो पुराने शहर को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं सर? आप वहाँ की आवाम में बेचैनी है, वहाँ की आवाम में एक तकलीफ है सर। इस फ्लाईओवर से ये नेशनल हाईवे 7 है सर, बेंगलुरु का क्या बोलते, तो ज़्यादा ओवरलोडेड है पब्लिक का, हैवी ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर, हैवी पब्लिक है, आने का जाने का रास्ता है वहाँ पर। कई तकलीफों से मेरी कॉन्स्टेंसी के लोगों को